ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको जो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको स्टार्ट किया था, वो बेसिकली स्टार्ट किया था पीएमसी खत्म करके हम लोगों ने एमआई खत्म कर लिया था। अब इसी में अब एक तरह का आपका और इंस्ट्रूमेंट है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का भी काफी ज्यादा यूज होता है, ये एज बोथ एसी और बोथ डीसी दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले पीएमसी इंस्ट्रूमेंट को देखा, फिर पीएमसी इंस्ट्रूमेंट के बाद के हमने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को देखा। अब हम बोलते हैं जिसको हम ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप पीएमसी इंस्ट्रूमेंट और ईएमसी इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करें तो ईएमसी और पीएमसी में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो मैग्नेट होती थी वो हमारी परमानेंट मैग्नेट होती थी, पर जो ईएमसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि आज हम पढ़ेंगे, इसमें जो हमारी मैग्नेट होती है वो हमारी एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मूविंग कॉयल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसको बेसिकली जो हम नाम से बोलते हैं, तो इसको बेसिकली जो आपका ईएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप ऑफ। यहाँ पे बेसिकली ये लिखा हुआ, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इलेक्ट्रो डायनोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसको ई से मतलब इलेक्ट्रो डायनोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इस इंस्ट्रूमेंट का क्या कंस्ट्रक्शन होता है कि जैसे पीएमसी इंस्ट्रूमेंट था, तो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास हमेशा एक परमानेंट मैग्नेट थी, पर यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नेट होगी उस मैग्नेट को बेसिकली क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट का यूज करके बेसिकली हम ईएमसी इंस्ट्रूमेंट को बनाएंगे। अब देख लीजिए इस ईएमसी इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। अगर हम ईएमसी इंस्ट्रूमेंट के थोड़ा कंस्ट्रक्शन पे जाएं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए अगर उसके हम डायग्राम को ड्रॉ करें तो कुछ नहीं होगा कि जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है कि जो बेसिकली जिसको मैग्नेट बनाया जाता है बाय द यूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है कि दो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, कि मैंने मान लिया कि दो हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ इस तरीके की है। ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर एक सप्लाई है, ठीक है, जिसमें मैंने करंट ऑफ आईपी मान लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल रेजिस्टेंस है आर। ओके, और इसमें बेसिकली क्या लगा हुआ है आपकी, इसमें वाइंडिंग है। ये बेसिकली जो हमारे पास है, ये भी हमारे पास एक फिक्स कॉयल है, इसको बेसिकली हमने फिक्स कॉयल दे रखा है। ये भी हमारे पास फिक्स कॉयल है, इससे बेसिकली हम क्या करेंगे, वाइंडिंग कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये वाइंडिंग है। ठीक है, और इसी सिस्टम के बीच में हमारे पास क्या है, एक मूविंग कॉयल है। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक मूविंग कॉयल है, ये हमारे पास एक मूविंग कॉयल है, जिससे बेसिकली हमारा एक कुछ पॉइंटर इस तरीके से कनेक्टेड है, और ये हमारा कुछ एक स्पिंडल। ठीक है, तो और इसी से बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, एक स्प्रिंग सिस्टम कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉयल है, फिर ये मूविंग कॉयल से जो वाइंडिंग है, ये फाइनली फिर वाइंडिंग आपकी कुछ इस तरीके से जा रही है। ये पूरे में वाइंडिंग है इस तरीके से। ठीक है, फिर ये वाइंडिंग फाइनली कुछ आपकी इस तरीके से आ रही है, और फिर ये वाइंडिंग फिर इस तरीके से आपकी इस सिस्टम में गई, एंड देन फाइनली फाइंडिंग इस तरीके से आ रही है। तो ये जो आपका डायग्राम है, तो इसमें ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं फिक्स कॉइल। ठीक है, और इस पर्टिकुलर सिस्टम, ये जो कॉइल है, इस कॉइल को बेसिकली हम बोलते हैं मूविंग कॉइल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल बोलते हैं। ये जो बेसिकली है, ये हमारा पास, ये हमारा क्या है, एक स्प्रिंग सिस्टम है, इट इज एन स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसकी वर्किंग में सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम इसकी वर्किंग को पढ़े, तो मैंने आपका बेसिकली इसमें कंस्ट्रक्शन लिख रखा है, आपके पीडीएफ में कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा है, द फिक्स सिस्टम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स कॉइल व्हिच इज वाउंडेड टू बी थिक मल्टी स्टैंडर्ड वायर। तो ये देखिए, हमारे पास एक फिक्स कॉइल ये हो गई, और एक फिक्स कॉइल हमारे पास ये हो गई। इसमें मल्टी स्टैंडर्ड वायर की क्या है, मल्टी स्टैंडर्ड वायर इसके ऊपर वाउंड है। इट इज एन एयर कोर कॉइल, ये एक तरीके का, इट इज एन एयर कोर कॉइल वॉन्ट टू बी स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स एंड स्प्लिट इनटू टू पार्ट। ये बेसिकली हमारी जो है एक एयर कोर कॉइल है, जो कि हमारे दो पार्ट में स्प्लिट है।
in order to accumulate to the moving system. Okay. उसके बाद में अगला पॉइंट मैंने लिखा है the moving system of the instrument consists of a spindle. तो moving system है ये जो आपका जो moving system है इसमें क्या है लगा हुआ the moving system of the instrument consists of an spindle. इसमें एक particular ये एक spindle लगा हुआ है कुछ इस तरीके से on which a set of control spring. इसमें control spring है और इस spring में कौन सी mechanism use हो रही है air friction damping mechanism use हो रही है and a moving coil wound to it. Wounded with a thin and light wire for a large number of turns are mounted. तो जो basically आपकी fixed coil है, उसमें fixed coil में जो number of turns हैं, वो थोड़े से कम हैं, जबकि moving coil में जो number of turns हैं, वो आपके बहुत ही ज़्यादा हैं. फिर इसमें आपका अगला point ये लिखा है, the moving system is so placed that we have moving coil some between the two parts of the fixed coil. ठीक है, तो moving coil क्या है basically जो fixed coil है, उनके दो part के बीच में क्या लगा हुआ है, आपका इस moving fixed moving coil जो है, basically आपका कहाँ पर है, दो fixed coil के क्या है, बीच में, ठीक है. The instantaneous value is different. अब यहाँ से थोड़ा सा इसका working समझते हैं. देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे आप मान लीजिए कि इसमें जो आपकी current flow हो रही है, देखिए यहाँ पे current क्या है, आपकी IP है. अब ये current आपकी कहाँ जा रही है, देखिए ये current जो है basically आपकी जा रही है fixed coil में और moving coil में. तो आपको पता है कि ये एक electromagnetic system है और electromagnetic system में जब भी हम कोई conductor place करेंगे तो उस पर क्या लगेगा, एक induction का phenomenon होगा और उसकी वजह से क्या होगा, इस particular पॉइंटर पे क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा. मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया भी था कि कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल होता है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल जो हमारा कोई एक आयरन पीस रखा होता है तो उस पर एक लॉरेंज फोर्स लगता है जिसकी वजह से हमारा एक पर्टिकुलर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है. अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले इनिशियली में क्या होगा कि हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा जो हमारा मैग्नेट है, इस मैग्नेट का सबसे इनिशियल पॉइंट पे हमने मान लिया कि क्योंकि ये जो मूविंग ये जो EMC इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जो आपका EMC इंस्ट्रूमेंट होता है, ये AC एज वेल एज DC दोनों के लिए ही यूज होता है. अगर हम AC इंस्ट्रूमेंट को देखें तो अगर हम AC क्या होता है, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लेता हूँ कि मैं अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा. ठीक है, ये तो पॉजिटिव साइकिल की बात हो गई. अगर हम नेगेटिव साइकिल की बात करें तो ये पोल्स क्या हो जाएंगे, चेंज रहेंगे, ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा. यानी यहाँ पर अगर हमारा फील्ड की अगर हमारी करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फील्ड की पोलरिटी चेंज हो रही है, पर इफेक्टेड जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो हमारा चेंज नहीं होगा. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू हमारी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है. तो क्या होगा कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या होगा कि यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ इस तरीके से आपको पता है कि यहाँ पे जो फिनोमेना यूज हो रहा है वो देखिए ना कि एक कॉइल आपकी ये है और एक कॉइल ये है. ये दोनों कॉइलें एक दूसरे क्योंकि ये कॉइल अपना पर्टिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी M1 और ये वाली भी कॉइल अपना कुछ पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी M2. तो दोनों में क्या हो रहा है, ये बेसिकली एक तरीके का म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिनोमेना की वजह से कि इसके इन दोनों के फ्लक्स के बीच में जब ये पर्टिकुलर एक मूविंग कॉइल रखी हो तो ये मूविंग कॉइल करेगी आपकी मूव करेगी. तो यही इसका बेसिकली प्रिंसिपल है EMC इंस्ट्रूमेंट का. इसमें बेसिकली हमारी दो फिक्स कॉइल होती है, दो फिक्स कॉइल के बीच में हमारी एक मूविंग कॉइल होती है और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मूविंग कॉइल का नॉर्थ पोल नॉर्थ साउथ जैसे मैंने आपको बताया और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पोलरिटी चेंज हो जाएगी. बट इफेक्टेड जो आपकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू होगी वो बेसिकली कुछ इस डायरेक्शन में होगी. और इसमें बेसिकली जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क आपकी कौन प्रोड्यूस कर रही है, जो स्प्रिंग है वो बेसिकली आपका क्या प्रोड्यूस कर रही है, एक पर्टिकुलर कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस कर रही है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फिक्स कॉइल का अगर देखा जाए तो फिक्स कॉइल का रोल क्या है, आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम प्रोड्यूस कर रही है, जबकि मूविंग कॉइल क्या है, मूविंग कॉइल से आपका फाइनली एक काउंटर कनेक्टेड है. तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसमें आपको ये पता है कि अगर आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो तो उसमें क्या होता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क. ये तो हर इंस्ट्रूमेंट के लिए वैलिड है, मैं आपको इससे पहले बता भी चुका हूं. तो अगर हम एक PMC इंस्ट्रूमेंट को देखें तो हम जैसे कि PMC इंस्ट्रूमेंट को देख रहे थे तो वहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन क्या थी, NBAI. ठीक है, उसी तरीके से अगर हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की इक्वेशन को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन देख रहे थे तो कितना था, 1/2 I² × dl/dθ. ओके, उसी तरीके से अगर हम EMC इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन देखेंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन हो जाएगी I1 × I2 × dm/dθ, क्योंकि यहाँ पे जो फिनोमेना हो रहा है वो बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना हो रहा है. अब देखिए इसमें I1 क्या है और I2 क्या है. देखिए I1 क्या है, देखिए यहाँ पे जो करंट है ये बेसिकली इस पर्टिकुलर I1 क्या है, अगर मैं I1 को देखूं तो I1 बेसिकली क्या है, I1 क्या है, जो आपकी फिक्स कॉइल में करंट है. I1 इज कॉल्ड फिक्स कॉइल करंट. ठीक है, I1 क्या है, आपकी
फिक्स कॉइल करंट कि आपकी I2 क्या है, I2 क्या है आपकी कि जो मूविंग कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, I2 क्या है आपकी मूविंग कॉइल करंट। तो I1 क्या है फिक्स कॉइल करंट और I2 क्या है आपकी मूविंग कॉइल करंट। और dm/dt मैंने क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल यूज हो रहा है बेसिकली कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल यूज हो रहा है। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल को वर्क कर रहा है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन T=I1×I2×dm θ। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट्स जो मैंने ये बनाए हैं पॉइंट्स आपको कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है कि पीएमसी इंस्ट्रूमेंट के लिए इक्वेशन ये होती है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए इक्वेशन T=1/2I²×dl/dθ होती है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फॉर द ईएमसी इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपकी ईएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन होती है T=I1×I2×dm/dθ। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको उसमें नोट्स में दिया है कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन अगर कंस्ट्रक्शन को देखें तो कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको कंस्ट्रक्शन तो मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या अब बात होती है कि हम अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन को कुछ अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टॉर्क मान ले, अगर मैंने सिंपल TI से रिप्लेस कर दिया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है इसको चलिए मैं TD से ही रिप्लेस कर देता हूँ, T=I1×I2×dm/dθ। ये हमारी क्या है इसकी इक्वेशन है। अब एक्चुअली मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ये I1 है, I1 क्या है आपकी फिक्स कॉइल की करंट है, फिक्स कॉइल करंट, ठीक है, और I2 क्या है आपकी I2 इज इन मूविंग कॉइल करंट, I2 क्या है आपकी मूविंग कॉइल की करंट, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए इसमें कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो मैंने आपको बताया जो ये EMC इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जो आपका EMC इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जो आपका EMC इंस्ट्रूमेंट होता है ये बेसिकली आपका DC प्लस AC दोनों के मेजरमेंट के लिए बेसिकली यूज होता है, इट इज इन डी पार्ट। इट इज इन यूज फॉर एन DC प्लस AC, ये DC और AC दोनों के मेजरमेंट सिस्टम के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फॉर DC सिस्टम के लिए निकालने की कोशिश करते हैं, फॉर DC मेजरमेंट, अगर हम DC मेजरमेंट की बात करें तो मैंने इसे बताया कि I1 आपकी क्या है फिक्स करंट है और I2 क्या है आपकी मूविंग कॉइल की करंट। तो अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम से देखें तो आप देखेंगे ये कि जो ये फिक्स कॉइल और जो मूविंग कॉइल का सिस्टम है ये एक दूसरे के साथ में क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। अगर हम DC में करेंगे तो DC में हम ये मान लेते हैं कि जो I1 की वैल्यू है बेसिकली हमारी I2 के बराबर है। तो अगर हम I1 की वैल्यू I2 के बराबर रख देंगे, अगर हम I1 की वैल्यू इस इक्वेशन में हम I1 की वैल्यू I2 के बराबर रख देंगे तो हमारी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन कितनी आ जाएगी। हम ये मान लेते हैं कि I1=I2 और इस इक्वल टू को बेसिकली मैं एक वैल्यू I मान लेता हूँ। तो अगर यहाँ से हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन को निकालें, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन आएगी I²×dm/dθ। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे हम स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं और स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए मैं आपको बता चुका हूँ जो कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू होती है वो कितनी होती है K θ होती है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। आपको पता है कि किसी भी पॉइंटर को स्टेडी स्टेट पोजीशन में रखने के लिए हमारा क्या होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो वैल्यू होती है बेसिकली वो हमारी कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होती है। तो अगर इन दोनों वैल्यूज को अगर इक्वल टू कर दें तो कितना लिखेंगे हम I²×dm/dθ = कितना लिखेंगे हम K θ लिखेंगे। तो अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करें, तो थीटा हमारा कितना आएगा I²×dm/dθ/dm/dθ/K। तो ये हमारी किसकी आ गई डिफ्लेक्शन की वैल्यू हो गई। व्हाट द मीनिंग ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया कि ये पॉइंटर का अपनी पोजीशन से कि कितना एंगल थीटा एंगल डिस्प्लेस हो रहा है एट द वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्शन। ओके, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे तो ये जो आपका ईएमसी इंस्ट्रूमेंट था, ये ईएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो पहला पार्ट था फॉर डीसी मेजरमेंट, इट इज फर्स्ट पार्ट फॉर डीसी मेजरमेंट। तो ये डीसी मेजरमेंट में हम कैसे इसको यूज करते हैं, तो इट इज कॉल्ड एन ईएमसी इंस्ट्रूमेंट द वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा। इस तरीके से हम थीटा की वैल्यू को क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। ओके,
उसके बाद में अगला पार्ट इसमें आता है यंगची इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट करने के लिए, दैट इज द पार्ट ऑफ फॉरेन एसी मेजरमेंट। अगर हम एक यंगची इंस्ट्रूमेंट से एसी मेजरमेंट करना की कोशिश करें, तो अगर हम एक यंगची इंस्ट्रूमेंट से एसी मेजरमेंट को करने की कोशिश करें, ठीक है, अगर हम एक यंगची इंस्ट्रूमेंट से एसी मेजरमेंट करना चाहें, ठीक है, फॉर एसी पैरामीटर, फॉर एसी पैरामीटर, अगर हम एक यंगची इंस्ट्रूमेंट से एसी पैरामीटर को मेजरमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है, अगर एक ठीक है, इधर देख लीजिएगा थोड़ा सा उधर, ठीक है, फॉर एसी में, फॉर एसी पैरामीटर, फॉर एसी पैरामीटर, अगर एक ईएमसी इंस्ट्रूमेंट से हम एसी पैरामीटर को मेजरमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए ये क्या है सिस्टम, बेसिकली आपका कुछ फॉर वन साइकल्स के लिए अगर हम बात करें, तो आपको पता है कि एसी सिग्नल दो तरह का हम यहाँ पर लेंगे, एक लेंगे बेसिकली हम इस तरह का कि वो हमारा सिग्नल जो है सिर्फ एसी पैरामीटर है, और एक सिग्नल को हम लेंगे बेसिकली क्या कि जब सिग्नल हमारा साइनसोइडियल है। तो अगर हम पूरे एक साइकिल के लिए कैलकुलेट करें, तो उसका डायरेक्टली फॉर्मुला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर एन वन साइकिल, तो अगर हम टी एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो टी एवरेज इक्वल टू वन अपॉन टू वन अपॉन टी इंटीग्रेशन जीरो से टी एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अगर हम इसको वैल्यू को लिखें तो टी एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन अपॉन टी इंटीग्रेशन जीरो से टी इंटू डीएम इंटू डी थीटा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू रख दिया इंटू आई वन इंटू आई टू इंटू डी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है फॉर एन एसी पैरामीटर फॉर एन नॉन साइनसोइडल सिग्नल, बट अगर हम एक साइनसोइडल सिग्नल को देखें फॉर ए साइनसोइडल सिग्नल, अब देखिए साइनसोइडल सिग्नल में हम क्या मान लेते हैं कि साइनसोइडल सिग्नल को अगर हम देखें यहां पे, तो देखिए आई वन क्या है आपकी, अगर हम साइनसोइडल सिग्नल को देखें तो I1 क्या है, फिक्स कॉइल की करंट है, तो अगर हम फिक्स कॉइल की करंट को मान लेते हैं आई एम वन साइन ऑफ ओमेगा टी, और I2 क्या है आपकी मूविंग कॉइल की करंट है, तो फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल की करंट में क्या होगा कि बेसिकली जब फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल की करंट में बेसिकली क्या होगा साइनसोइडल सिग्नल की वजह से, उसमें बेसिकली कुछ डिफरेंस आ जाएगा, कुछ लैग आ जाएगा, तो बेसिकली करंट की वैल्यू मूविंग कॉइल की फिक्स कॉइल की कंपैरिजन में क्या होगा कि कुछ मूविंग कॉइल की करंट में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आएगा, तो उस फेज डिफरेंस को बेसिकली हम डिनोट कर सकते हैं आई टू इक्वल टू आई एम टू इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई, ठीक है। और अब अगर हम बट डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टी एवरेज इक्वल टू, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ना, टी एवरेज इक्वल टू कितना होगा, वन अपॉन टी इंटीग्रेशन जीरो से टी आई इंस्टेंटेनियस टॉर्क टी आई इंटू डी टी, ठीक है। तो अगर हम साइनसोइडल सिग्नल को देखें, तो साइनसोइडल सिग्नल का टाइम पीरियड कितना होता है, जीरो से टू पाई होता है, और हमको आई वन और आई टू पता है, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या हमने बताया आपको, आई वन इंटू आई टू इंटू डी एम इंटू डी टीटा, इस टी डी को अगर हम टी आई से रिप्लेस कर दें और टी आई की वैल्यू को हम क्या करें यहाँ पे प्लेस कर दें, तो अगर यहाँ पे टी आई की वैल्यू को हम प्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो टी एवरेज का वैल्यू आएगा, टी एवरेज इक्वल टू कितना आएगा आपका, वन अपॉन टू पाई इंटू dm into d theta integration of 0 to 2 pi I m1 sin of omega t into I m2 sin of omega t minus phi into d of omega t। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको I m1 root 2 into I m2 root 2 into cos phi into dm by d theta, it is an angle of cos phi, ठीक है। तो इसको अगर मैं और से रिप्लेस करूं तो मैं लिख सकता हूं the deflecting torque td equal to I1 into I2 into cos phi into dm into d theta। अब ये basically cos phi क्या, what the meaning of cos phi, cos phi कुछ नहीं है, it is an angle between the current of I1 or I2, जो I1 और I2 के बीच का जो फेज डिफरेंस है उसी फेज डिफरेंस को हमने cos phi से क्या किया है रिप्लेस किया, तो इट इज एन वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फॉर्मूला। तो ये बेसिकली आपका जो था
ये आपका जो फॉर्मूला है ये बेसिकली आपका क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला। मैं इसे एक बार सही से लिख दे रहा हूँ। फाइनली जो फॉर्मूला निकल कर आया है आपका, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू कितना है आपका, आई वन इंटू आई टू इंटू कॉस फाइव और डीएम इंटू डी थीटा। ये किसका है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में फॉरेन सन प्रोड्यूस सिग्नल जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का आता है, ठीक है। अब इसकी क्या है बेसिकली कुछ एप्लीकेशन है, इसके आप एप्लीकेशन को देख लीजिए। एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि मैंने कि आपको लिखा है द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमीटर एंड वोल्ट मीटर इज ए ट्रांसफर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एसी एमीटर एज वेल एज वोल्ट मीटर, ठीक है। ये बेसिकली थ्योरी वाला पार्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द हाउ द फाइंड एंड मूविंग कॉइल कनेक्टिंग दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर एमीटर वोल्ट मीटर वाट मीटर वीआई कॉस फाई फ्रिक्वेंसी मीटर पावर फ्रिक्वेंसी मीटर, ये थ्योरी वाला पार्ट है। एप्लीकेशन क्या है इसके आप पढ़ लीजिएगा। सेकेंड थिंग ये है कि मैंने आपके नोट में लिखा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो आप अपने आप से बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें मुझे ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है। उसके बाद में एक आपका क्वेश्चन है जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बेस पे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है। क्वेश्चन आपका ये है कि आपके पीडीएफ में शेयर है, इंडक्टेंस ऑफ द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगर हम एक इंडक्टेंस को ले, मैंने एल इज इक्वल टू कितना लिखा है 30 प्लस 10 थीटा माइनस का 2 थीटा स्क्वायर माइक्रो हेनरी आपका इंडक्टेंस है, वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन इन रेडियन फ्रॉम द जीरो पोजीशन द कंट्रोलिंग स्प्रिंग कांस्टेंट। आपका कंट्रोलिंग स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी गिवन है 25 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन मीटर पर रेडियन, ठीक है। फिर दे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट, मतलब कि आपको कुल मिला के थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि अगर हमारा करंट का वैल्यू कितना हो 5 एम्पियर। तो ये बेसिकली आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा बोल रहा है, इट इज एन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की हमारी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन कितनी होती है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू आई स्क्वायर इनटू डीएल बाय डी थीटा। तो आपको क्वेश्चन में एल गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में एल गिवन है तो यहाँ से आप डीएल बाय डी थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। अगर यहाँ से आप डीएल बाय डी थीटा कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 10 माइनस 4 थीटा, ये डीएल बाय डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है कि फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। तो 1/2 करंट कितना दे रखा है 5 एम्पीयर दे रखा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, ठीक है। और डीएल बाई डीटा कितना दे रखा है आपको 10 माइनस 4 थीटा दे रखा है, और कंट्रोलिंग स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा के इंटू थीटा होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका डिवाइड बाई में नीचे के चला जाएगा, और के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो यहाँ से थीटा सिर्फ एक ही कांस्टेंट टर्न हो गया, जब थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनली थीटा आपका कितना आएगा, द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 1.67 रेडियन, थीटा इक्वल टू 1.67 रेडियन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या कहते हैं, ये जो सिलेबस का पार्ट टू था वो फिनिश हो चुका है। तो मैंने आपके बेसिकली मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, आपका ईएमसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, आपका पीएमसी इंस्ट्रूमेंट, ये मैंने आपको तीनों पढ़ा दिए, ठीक है। अब आपका जो फुल टॉपिक चलेगा, मतलब इस पूरे होल सेप्टेम्बर में जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, वो बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊंगा पावर मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा चलेगा पावर मेजरमेंट, पावर मेजरमेंट आपका फुल टॉपिक चलेगा मेरा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग पावर मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। पावर मेजरमेंट में भी क्या होता है कि सबसे पहले हम डीसी पावर मेजरमेंट करेंगे, फिर डीसी पावर मेजरमेंट भी वोल्ट मीटर अमीटर मेथड से करेंगे, फिर उसके बाद में हम एसी पावर मेजरमेंट करेंगे। फिर एसी पावर मेजरमेंट में भी दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक सिंगल फेज होता है और एक थ्री फेज एसी पावर मेजरमेंट होता है। तो पावर मेजरमेंट अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, तो ये लगभग मुझे समय लगेगा इसको। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मैं आपको पावर मेजरमेंट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है, चलिए।